ये बहुत इजी रेसिपी है और ये ऐसी रेसिपी है आप इसमें एफर्ट करोगे कम और लगेगा कि आपने क्या एफर्ट कर रखा है। Hi guys, Tanmay this side from Cooking Paji with Mama. Hello everyone. आज हम लोग बना रहे हैं टी टाइम इवनिंग रेसिपी में क्या मूंग दाल का सैंडविच। मूंग दाल सैंडविच जो ऐसा खतरनाक बनता है ना, आप देखो आपको मजा आएगा। Yes. तो दिल से बनाओ, सबको खिलाओ, इसलिए ज्यादा बनाओ ये इनोवेटिव सा मूंग दाल सैंडविच। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिए कितनी आधी कटोरी मूंग दाल। हाँ, आधी कटोरी ली है, जिसको हम लोगों ने 3 से 4 घंटे भिगो के रखा हुआ है और उसमें 3 से 4 तोड़ियां लहसुन की डाल देंगे। हाँ, वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट कितना भी डालना है। स्टेज 1 क्लियर, मूंग दाल का बैटर पीस लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? गैस हमने ऑन कर दी है और इसको थोड़े तवे को अच्छी तरह से ग्रीस कर देते हैं। इस तवे पे सारी चीजें होंगी। ये जो रेसिपी है ये आपको बड़ा मजा आएगा बनाने में और बड़ी इनोवेटिव सी है। आप जिसको भी बना के खिलाओगे ना, वो भी एक बार को हैरान हो जाएगा ये क्या चीज ले आए हो। अब इसमें 1-2 चीजें ही डलेंगी, कुछ ज्यादा नहीं डलेंगी। छोटा सा प्याज लिया मैंने और धनिया थोड़ा सा, ये टेक्सचर के लिए चीजें। हाँ बस, इसके अलावा और कुछ मैं नहीं डाल रही हूँ। हरी मिर्च डालनी है तो डाल सकते हैं, पर मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी। अब बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। ये हम लोगों ने एक बैटर तैयार कर लिया। ये बैटर जो है हमारी ब्रेड के ऊपर, और आगे वीडियो देखते रहिए आपको समझ आएगा क्या क्या चीजें इसके अंदर होने वाली है। तवा गरम हो गया। 4 हमने ब्रेड पीस लिए हैं। ये आपको एक सैंपल बना के दिखा रहे हैं कि भाई कैसे बनेगा। थोड़ा सा मक्खन इस पे लगा दिया जाए अच्छे से। ब्रेड को मक्खन लगा रहे हैं, इतने आपको भी मक्खन लगा रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस देखते रहते हैं तो लाइक करके जाया करिए, हमें अच्छा लगता है। बटर लगा के दोनों तरफ से इसको थोड़ा सा सेक लेंगे पहले। अब ये क्योंकि हम लोगों ने कास्ट आयरन पैन लिया था तो हम लोगों ने पहले हल्की सी ग्रीसिंग कर दी थी। आप नॉनस्टिक ले रहे हो तो वो ऑयलिंग वाला स्टेप अवॉइड भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। और इसके अब दूसरी साइड भी थोड़ा थोड़ा हम बटर लगा देंगे। तो मतलब ये क्रिस्पी हो जाएगा दोनों साइड से। फिर हम लोग मूंग दाल डालेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, थोड़ा दोनों तरफ से थोड़ा सा सेक के हल्का सा, और उसके बाद डालेंगे। चलो अब गैस हम अपनी स्लो करके, और इस पे हम ये जो हमने बैटर बनाया है मूंग दाल का, बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही हेल्दी, बहुत टेस्टी बनेंगे ये। अब इसको ना एकदम ऐसे स्प्रेड आउट कर देना है। ब्रेड और मूंग दाल का ये जो पेस्ट है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा। अब ये आपने बैटर चारों जगह लगा दिया ना, अब आपको बड़े ध्यान से इसको फ्लिप करना है। अब मजे की बात क्या है कि जितने कहाँ जा रहा तू, हाथ से भी कर सकते हैं इसको पकड़ के। मजे की बात क्या है, जितने आप इसको ऐसे फ्लिप करोगे, ये पार्ट देखो कितना क्रिस्पी हो चुका है। और ऐसे ही सेम साइड हम लोग दूसरी साइड के लिए भी करना है। हाँ, दूसरी साइड भी लगाना है। तो ये एकदम अपसाइड डाउन वाला या फिर इनसाइड आउट वाला सैंडविच जो आप बोलना चाहो वो लगा लेंगे। अब ये हम लोग क्योंकि ये बड़े साइज का कास्ट आयरन पैन यूज कर रहे हैं तो हमें गैस कंट्रोल करनी पड़ती है। यहाँ पे ज्यादा क्रिस्पी, यहाँ पे कम, आप अपने हिसाब से, अपनी गैस के हिसाब से और बर्तन के हिसाब से इसको ध्यान में रखिए। अगर पैन हमारा छोटा है तो हम सिर्फ 2 ही लेंगे। सिमिलरली हम लोग दूसरी साइड पे भी ऐसे ही लगा देंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है और ये ऐसी रेसिपी है, आप इसमें एफर्ट करोगे कम और लगेगा कि आपने क्या एफर्ट कर रखा है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चिली फ्लेक्स। आप या तो बैटर में मिर्ची डाल दो या फिर चिली फ्लेक्स ऐसे डाल दो। और मैंने ना इसकी साइड पलट दी है ताकि इवन कुकिंग हो जाए। थोड़ा थोड़ा ना वो चिली फ्लेक्स आप थोड़ा बनते टाइम डालो, थोड़ा गार्निश में डालो, थोड़ा अच्छा सा लगता है, कलर आ जाता है ना। वो हल्का सा हल्दी भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा इसीलिए डाला ताकि एक ब्राइट येलो कलर दिखे। और मैंने इसलिए हरी मिर्च भी नहीं डाली थी। और ये थोड़े से तिल, ये आपकी मर्जी है, डाल दो, अच्छे लगते हैं बस। ये तिल भी टेक्सचर और कलर के लिए। चाहो तो आप दोनों साइड डाल दो, पर मैं एक जो इनर वाले में नहीं डालती, बाहर जो ये बाहर की साइड आएगी उसमें डालो, उसमें डाल दूंगी। अब ये बाहर अंदर की क्या बात है, ये अभी 2 सेकंड में पता चल जाएगा। आप एंट्री शॉट्स में देख चुके होंगे, बट अभी आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं। अब साथ साथ में थोड़ा पलट दूं मैं अभी? अभी नहीं, थोड़ा अभी थोड़ा नहीं पलटना। ओके, थोड़ा थोड़ा ऑयल ताकि वो प्रॉपर कुकिंग होता रहे और चिपके ना नीचे। अब ये कैसे पता चलेगा हो गया?
देखो इसको हम धीरे धीरे ऐसे करके देखेंगे, अगर तो ये नीचे से क्लीन निकल रहा है तो ये देखो ये वाला भी हो गया है, ये भी आराम से हो रहा है, ये भी हो गया है। जो लास्ट में डाला था उसको टाइम लगेगा, ये लास्ट में था, ये थोड़ा सा रहता है। तो बाकी इन द मीनवाइल हम बाकी चेंज कर देते हैं साइड। जितने ये सैंडविच बन के रेडी हो रहा है, आप कमेंट्स ऑफ द डे में अपना फेवरेट सैंडविच बताओ कैसे बनता है, अच्छे से डिस्क्रिप्शन में बताना। कोई एक सैंडविच की रेसिपी हम लोग पिक करेंगे, डिजी फैमिली स्पेशल सैंडविच रेसिपी, और उसको हम लोग कुकिंग पाजी के तड़के से अपलोड करेंगे। अब एक बार हमने साइड चेंज कर दी है, अब थोड़ा थोड़ा इस पे ऑयल लगा देंगे। अब ये स्टेज जो है ये इसलिए है ताकि सूखा सूखा ना बने, हाँ। और मतलब एकदम ऐसे वो बढ़िया बने। इसके साथ बहुत वीडियोस में हम लोग आपको ग्रीन चटनी की रेसिपी बताते हैं कि किसी और रेसिपी में लिंक्ड है, वो चेकआउट करिए। आज मम्मा ने बोला चलो आपको एक फिर से रिविजन कोर्स दे दिया जाए। इसको हमने एक बार और फ्लिप कर दिया, ऐसे दो तीन बार फ्लिप करना है, बट विद इन ये 5 मिनट्स रेडी हो जाएगा। इन द मीन वाइल एक मिक्सी जग लेंगे, उसमें डालेंगे एक प्याज, 10-11 छोटी वाली लहसुन की जुड़ियां ली है, 2 इंच अदरक लिया है, थोड़ा सा पुदीना, हैंडफुल ऑफ धनिया, और ये रोस्टेड चने भी ले सकते हो, आप रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हो, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और 2 मिर्चे जैसे आप तीखा खाते हो, हाँ, वो खाते हो, और नींबू भी आपका खटास अनुसार, और बाकी इसको सीजन करेंगे सॉल्ट से, हाँ, और इसको बस अभी पीस देंगे। लो जी स्टेटस चेक करते हैं, अब ये हमारी फ्रंट साइड हो जाएगी, इनकी जो मूंग दाल के सैंडविच है उनकी ये फ्रंट साइड हो जाएगी, और जो इसकी बैक साइड है उस पर अभी आपको 1 सेकंड में बता रहे हैं क्या करना है। बहुत सिंपल है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हरी चटनी का होना, जो अभी फ्रेश एकदम बनाई है घर में, जिसके आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। ट्रस्टी कास्ट आयरन ने काफ़ी साथ निभाया, अब आगे का काम सारा कटिंग बोर्ड पे। इंटर्न तन में लर्निंग फ्रॉम मम्मा, कैसे करना है, 2 में लगाना है, कैसे 2 में ग्रीन चटनी, 2 में ये वाली चटनी, पहले चीज पहले लगाऊं बाद में लगाऊं, नहीं पहले ये चटनी लगाऊं पहले, हाँ दोनों में पहले दोनों साइड पे चटनी लगा दूं, चटनी लगाओ और अच्छे से, मतलब चटनी थोड़ी थोड़ी ऐसे सैंडविच पे लगाएंगे ताकि सैंडविच में भी एक वो आए, मॉइस्टनेस आए, और साथ में सर्व भी करेंगे, है ना? अच्छा, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सिर्फ चटनी का भी बना सकते हैं, सिर्फ सॉस का भी बना सकते हैं, केचप का भी, केचप का, लेकिन मैं ये मिक्स करके बनाती हूँ तो उसमें दोनों का फ्लेवर आता है, और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। What next? अब ये खोलो और दोनों के ऊपर रख दो। चीज स्लाइस खोलेंगे, ऐसे खोला धीरे धीरे, ऐसे खोला, हाँ। और ऐसे खोला, एक चीज स्लाइस इधर रख दी, और सेम फॉर सेकंड पैकेज, ऐसे खोला, ऐसे खोला और ऐसे खोला, और ये इधर रख दिया। अब क्या करना है, ये इसके ऊपर, मम्मा ऐसे तो ना कर दूं? नहीं नहीं नहीं, और ये जब भी करना है चीज का काम तो हमें गरम में करना है ताकि चीज थोड़ी सी मेल्ट भी हो। अच्छा, अगर हमें चीज नहीं लेनी तो हम पनीर का भी एक पतला सा स्लाइस काट के वैसे भी ले सकते हैं, थोड़ा चाहे गरम कर लो चाहे कैसे भी करो। ठीक है, अब क्या करना है मम्मा, अब हमने इसको कट करना है। यस, कट भी मैं कर दूं प्लीज, थैंक यू। चलो आज तो मेरी बहुत हेल्प कर रहे हो, कट भी कर देता हूं। सैंडविच देख रहे हो, मूंग दाल का सैंडविच, सो ब्यूटीफुल। वैसे तो हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बट मेरे को वो छोटे छोटे पीसेस ज्यादा अच्छे लगते हैं, 1/4 वाले, हाँ। को बहुत कट करोगे तो ध्यान से कट करना, क्योंकि इसमें सामान काफी ज्यादा डाल रखा है तो बिखरने के चांसेस होते हैं। ये तो कट, दिस ब्यूटीफुल कट, आप ऐसे कट कर लो या आप ऐसे कट कर लो, आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो, है ना? टेस्टिंग टाइम जी, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं, और ये देखो चीज भी पूरा मेल्ट हो गया है फ्रेश चटनी के साथ। लेट्स हैव अ बाइट ऑफ इट, सुपर डिलीशियस, मजेदार मजेदार, बहुत टेस्टी।
नींबू की बहुत अच्छी खटास आ रही है, चीज बहुत अच्छा आ रहा है, और जो उसमें हमने गार्लिक डाला है ना, गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। सब जाने ट्राई करिए, दिल से बनाओ, सबको खिलाओ, इसलिए ज्यादा बनाओ। बाय 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 बाय, टेक केयर ऑल।